वेलकम टू संसार पुर क्लासेस दोस्तों। आइए दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे लाभ और हानि पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर एक क्या कहता है? एक व्यक्ति एक घोड़ा तथा एक गाय 9600 रुपये प्रत्येक की दर से बेचे तो घोड़े पर 20% लाभ तथा गाय पर 20% हानि हो तो उसे पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। दोस्तों, यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि जब एक ही मूल्य पर उतने ही प्रतिशत लाभ और उतने ही प्रतिशत हानि हो तो हमेशा हमें हानि ही होगी, हमेशा हमें क्या होगी, हानि होगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसकी ट्रिक क्या है। इसकी ट्रिक है, जितना परसेंटेज दिया हुआ है उसका हमें स्क्वायर कर देना है और बटे कर देंगे 100। क्या कर देंगे? बटे कर देंगे 100। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा? 400/100। 0 से 0 कट जाए, कितना आ गया? 4%। ये हमें क्या होगी? हानि होगी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी। राइट दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर दो देखिए, एक व्यक्ति एक घोड़ा तथा एक गाय 7500 रुपये प्रत्येक की दर से बेचे तो घोड़े पर 25% लाभ तथा 25% हानि हो तो पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत लाभ हानि होगी। तो देखिए सेम इसकी भी वही ट्रिक है, कितना है यहाँ पर? 25-25 है ना, तो 25 का हम कर देंगे स्क्वायर और बटे कर देंगे 100। तो 25 के स्क्वायर हो जाएगा 625/100। 2 0 है, 2 अंक पहले क्या लगा देंगे? दशमलव लगा देंगे। 6.25% की क्या होगी? हमेशा हानि होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी। राइट दिस क्वेश्चन दोस्तों। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, टाइप नंबर टू। क्वेश्चन नंबर एक है, किसी वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि 20% का लाभ हो। अब देखिए, हम यहाँ पर वस्तु का क्रय मूल्य क्या मान लेंगे कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 100, और उसे कितना? 10% की हानि होती है। इसका मतलब उसने 100 रुपये की वस्तु जो है 10% की हानि सह के, तो 100 का 10% निकाल लेते हैं। देखिए 100 का अगर आप 10% निकालेंगे, 100 का 10% तो कितना निकल के आएगा? 10 ही निकल के आएगा। इसका मतलब उसे 10 रुपये की हानि हो रही, मतलब 100 की वस्तु 10 की हानि सह कर वो कितने में बेच रहा है? 90 में बेच रहा है। कह रहा वह उसे किस दर पर बेचे कि 20% का लाभ हो। अब 100 रुपये की वस्तु को जब वह 20% का लाभ उसको चाहिए तो उसको कितने में बेचेगा? 120 में, क्योंकि 100 का 20% निकालोगे तो 20 निकल के आएगा, तो इसमें क्या ऐड हो जाएगा? 20 ऐड हो जाएगा। अब जितनी यहाँ पर कट सकती है संख्या उतनी हम आपस में क्या कर लेंगे? काट लेंगे। तो 3 3 9, 3 6 12। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर कहा गया है कि किसी वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो जब वह वस्तु को 3 रुपये में बेच रहा था तो उसे 10% की हानि हो रही थी। क्वेश्चन कह रहा 3 रुपये में नहीं, उसको वो कितने में बेच रहा है? 240 रुपये में। इससे कितना गुना? इससे 80 गुना। तो बेचेगा भी वो कितने गुने में? अपने आप की वस्तु की 80 गुना में, यानी 8 6 32, 320 रुपये में वह वस्तु को बेचेगा। ऑप्शन नंबर बी। राइट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दो दोस्तों देख लीजिए, घोड़े को 570 रुपये में 570 रुपये में बेचने पर व्यक्ति को 5% की हानि होती है, 5% का लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचा जाए। तो हम यहाँ पर घोड़े का मूल्य क्या मान लेते हैं? 100।
सौ इसलिए मानते हैं कि सौ पर हमें सॉल्व करना थोड़ा आसान लगता है। तो सौ का 5% निकालेंगे, सौ का 5% निकालेंगे तो 5 ही निकल के आएगा, यानी वह घोड़े को कितने में बेच रहा है, 95 रुपया में। अब उसे 5% का क्या चाहिए, 5% का लाभ चाहिए, इसलिए वो 5 रुपये ज़्यादा में बेचेगा, यानी बेचे कितने में, 105 में। जितना कट सकता है इसको हम काट लेंगे, तो 5 91 5, 5 9 45 अनुपात रहेगा, 5 2 10, 5 91 5। यहाँ पर कहा गया है कि 570 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है, और क्वेश्चन कह रहा 19 रुपये में बेचा जा रहा है, तो यहाँ पर कितने रुपये में बेचा जा रहा है, 570 रुपये में। इससे कितना गुना, इससे 19 30 57, इससे 30 गुना, तो बेचेगा भी इससे कितने गुने में, इससे 30 गुने में ही बेचा जाएगा, यानी 21 3 63 0, यानी 630 रुपये में घोड़े को बेचा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट दिस क्वेश्चन। दोस्तों, अगर ये ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि नोटिफिकेशन आप तक लेटेस्ट लेटेस्ट वीडियो की पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मित्रों।